देश के हर युवा क्रिकेट खिलाड़ी का सपना होता है कि वह आईपीएल जैसे बड़े लीग का हिस्सा बने। वहीं आईपीएल भी हमेशा एक ऐसा मंच रहा है जहां कई युवा अपने प्रतिभा को दिखाने को मौका मिलता रहा है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। कई ने तो आईपीएल से राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। लेकिन साल 2023 के आईपीएल में एक नया नियम लागू किया गया। इस नियम का मतलब था कि 11 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर करके उसकी जगह पर एक इंपैक्ट प्लेयर खिलाड़ी टीम में शामिल करना होगा। और आईपीएल 2023 में पहले इंपैक्ट प्लेयर बने तुषार देशपांडे, लेकिन अपनी बॉलिंग से अपनी टीम सीएसके को जीत नहीं दिला पाए। तुषार देशपांडे का जन्म 15 मई 1995 को मुंबई के कल्याण में हुआ था। तुषार को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में काफी दिलचस्पी रही। उन्होंने स्कूल में ही पढ़ाई करने के दौरान ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इनके पिता उदय देशपांडे ने भी इनको सपोर्ट किया। उदय ने बेटे को क्रिकेट की बारीकियों को सीखने के लिए क्रिकेट क्लब जाने की इजाज़त दे दी थी। वहीं तुषार की माँ वंदना देशपांडे भी चाहती थी कि उनका बेटा देश के लिए क्रिकेट खेले। साल 2019 में तुषार जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे तो एक मैच के दौरान उनकी मां का देहांत हो गया, जो कैंसर से पीड़ित थी। इस मैच में तुषार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे और टीम को जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस जीत को उन्होंने अपनी मां के लिए डेडिकेट किया था। तुषार क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए कल्याण से प्रतिदिन घंटे सफर करके शिवाजी पार्क जिम खाना जाते थे, जहां मैच के प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाते थे। साल 2007 में तुषार देशपांडे अपने 4 क्रिकेट दोस्तों के साथ ट्रायल देने के लिए शिवाजी जिमखाना पार्क पहुंचे थे, जहां वह पूरी तरह से मन बनाकर गए थे कि बल्लेबाजी के लिए ट्रायल देंगे। लेकिन बल्लेबाजी के लिए 40 से 50 खिलाड़ियों की लंबी लाइन देखकर वह पहले ही डर गए, और वहीं गेंदबाजी में सिर्फ 15 से 20 खिलाड़ी को देखकर तुषार मन बना लिए कि वह गेंदबाजी के लिए ट्रायल देंगे और अपनी पहले ही गेंद से सेलेक्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं सेलेक्टर पद्माकर ने तुषार से 6 से 7 गेंद फेंकने के बाद शिवाजी पार्क जिमखाने के लिए खेलने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद शिवाजी पार्क जिमखाना से खेलने लगे और तेज गेंदबाज बने। उस दौरान कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर भी खेलने के लिए आया करते थे। इसी जिमखाने से सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी इस जिमखाने के लिए खेला है। आज तुषार देशपांडे चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने वाले तुषार साल 2008 में आईपीएल के एक मैच के दौरान बॉल बॉय भी बने थे। यह मैच वांखड़े स्टेडियम में खेला गया था। उस वक्त तुषार की उम्र महज 13 साल थी। वहीं साल 2016 में तुषार पारसी जिमखाना से जुड़ चुके थे। इस क्लब से खेलते हुए दिल्ली के करनाले स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ तुषार ने घातक गेंदबाजी की थी। उन्होंने इस मैच की पहली पारी में 6 विकेट चटके थे। उनके इस प्रदर्शन को देखने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन तुषार नहीं गए। तुषार का कहना था कि मैं घरेलू मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर डायरेक्ट आईपीएल खेलना चाहता हूं, और उन्हें अपनी प्रतिभा और अपने खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास था। तुषार देशपांडे मुंबई की तरफ से खेलते हुए अपने तेज गेंदबाज और घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पहली बार मुंबई के सेलेक्टर के नजर में तुषार तब आए जब उन्होंने कुछ बिहार ट्रॉफी के 4 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट हासिल किए थे। इस मैच के बाद पहली बार तुषार चर्चे में आया, जिसके बाद से मुंबई के सेलेक्टर ने उन्हें साल 2016 में रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। पांडे ने मुंबई के लिए तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उनकी तेज गेंदबाजी के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज के पसीने छूटने लगे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 20 मैचों में घातक गेंदबाजी करते हुए 50 विकेट हासिल किए थे। वहीं लिस्ट ए 19 मैच में 21 विकेट चटकाए थे, जबकि आईपीएल से पहले टी20 के 20 मैचों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 20 मैचों में 31 विकेट अपने नाम कर चुके थे। इनके रिकॉर्ड को देखने के बाद इनकी घातक गेंदबाजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुषार देशपांडे रणजी मैच में शानदार गेंदबाजी करते हैं। साल 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में पहले क्वार्टर फाइनल में उन्हें 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर आईपीएल के फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी ओर खींचा और साल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइज में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल जैसे बड़े लीग को खेलने के लिए देशपांडे काफी ज्यादा उत्साहित थे। इस बड़े लीग में वो अपना जलवा बिखेरना चाहते थे। आईपीएल 2020 में दिल्ली की ओर से खेलते हुए 30वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ
डेब्यू करने का मौका मिला और अपने डेब्यू मैच में ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए थे, जिसमें दिग्गज बल्लेबाज जॉस बटलर का विकेट शामिल था। साल 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फिर साल 2021 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन इनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर साल 2022 में तुषार को चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन इनको बस 2 मैच ही खेलने को मौका मिला था। फिर साल 2023 का आईपीएल का पहला मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, जिसमें तुषार देशपांडे को दूसरी पारी में अंबती रायडू के जगह पर तुषार देशपांडे को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया गया। इन्होंने 4 ओवर में 50 रन से भी ज्यादा रन देकर 1 विकेट हासिल किए, लेकिन कई दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि सीएसके का हार का कारण तुषार देशपांडे ही थे। वैसे आपको तुषार देशपांडे का स्टोरी कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी सोशल मीडिया से अपडेट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।